हेलो एवरीवन, मैं रजनीश हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद रजनीश पे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पाइथन और वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे और वीएस कोड को आप कैसे बेसिक लेवल का उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि आप पाइथन प्रोग्राम को आप अच्छे से लिख सकें और कौन कौन से वो प्लगइन्स हैं जो आप इंस्टॉल करेंगे वीएस कोड में ताकि आपके लिए थोड़ा पाइथन का प्रोग्राम करना वीएस कोड में ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने लैपटॉप में अभी पाइथन हमको इंस्टॉल करना है, तो उसके पहले हम चाहे तो यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि पाइथन रन कर रहा है या पाइथन मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है कि नहीं। आपको सिंपली जाके py लिखना है। आप py लिख के एंटर मारिए। अगर आप py लिख के एंटर मारें और ये दिखा रहा है इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, इसका मतलब ये कि ये py को ये समझ नहीं पा रहा है आपका कमांड प्रॉम्प्ट कि आपने क्या लिखा है। अगर पाइथन आपका इंस्टॉल्ड होता और उसका पाथ प्रॉपरली क्रिएटेड होता तो डेफिनेटली py लिखने के बाद वहाँ पे कोई ना कोई एक आउटपुट आता आपको, पर एरर नहीं आता। ठीक है, आपको प्रॉम्प्ट मिल जाता पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए। आप py वर्ज़न भी पता कर सकते हैं पाइथन का, तो मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद बताऊँगा कि कैसे आप वर्ज़न पता करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सीधा लिख रहा हूँ पाइथन डाउनलोड। ठीक है, पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिंक्स मिलेंगे। जो पहला वाला लिंक है आप उस पर क्लिक करिएगा। आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पाइथन में लिखा हुआ देखिए, सबसे जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ होता है उसका लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाता है और नीचे में आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो आप इसमें से जिस लिंक पे क्लिक करेंगे, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में और भी डिफरेंट वर्जन है इसके, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अलग अलग वर्ज़न का डाउनलोड करना है, कोई पुराना वर्ज़न का डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से भी उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस न्यू लेटेस्ट वर्ज़न को डाउनलोड करता हूँ और ये मैंने डाउनलोड से लगा दिया। ये 27 MB का फाइल है और ये डाउनलोड हो गया क्योंकि मेरी डाउनलोडिंग स्पीड लैपटॉप में काफ़ी अच्छी है। ओके, इसके डाउनलोड होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसे इंस्टॉल करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन में लगा दिया। तो आपके पास देखिए ये छोटा सा एक बॉक्स खुला है यहाँ पे। यहाँ पर आप ये वाला चीज़ मत भूलिएगा, इसे चेक करना, एड पाइथन 3.92 पाथ। इससे क्या होगा, आपका पाथ क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, देन यस कर दीजिएगा। उसके बाद ये सेटअप स्टार्ट हो गया है। अब आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद जब हम इसे CMD में जाकर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं पाइथन VS Code डाउनलोड कर लेता हूँ। VS Code डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप वहाँ पे अच्छा कीवर्ड भी लिख सकते हैं, VS Code डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, तो ये देखिए डाउनलोड विजुअल कोड, यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो मैं विंडोज़ के लिए यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये सेव पे हमको क्लिक करना होगा, ये मैंने सेव पे किया क्लिक और ये डाउनलोड होने लगा। और यहाँ पर आकर मैं देख लेता हूँ एक बार कि मेरा कहाँ तक मेरा प्रोसेस पहुँचा, प्रोग्रेस हो रहा है। अभी कुछ सेकेंड्स लगेंगे और ये कंप्यूटर में मेरे लैपटॉप में मेरे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, पाइथन यहाँ पर सब देखिए लिख कर आ रहा है कि कौन सा चीज़ अभी इंस्टॉल कर रहा है ये इंस्टॉलर। और यहाँ पर सेटअप वॉज सक्सेसफुल प्रॉपरली, मेरे लैपटॉप में इस वक्त पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं एक बार। CMD, मैं यहाँ पे CMD को फिर से ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अब लिखूँगा py --version। इसे मेरे लैपटॉप में जो वर्ज़न मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे py लिखेंगे तो आपको यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर मोड जो है वो ऑन हो गया। अब यहाँ पे पाइथन का आप कोड लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए वी एस कोड यूज़र सेटअप डॉट एग्जीक्यूटिव फाइल, ये भी मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसमें जा रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं इसे सिंपली डबल क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड में से लगा दूँगा। चलिए सॉरी, इंस्टॉल में लगा दूँगा।
यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट आप यहाँ से अगर रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ऐड ऐड, चेक कर लीजिएगा उसको, फिर इंस्टॉल। अब मेरे लैपटॉप पे इस वक्त वी एस कोड इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा समय लेगा ये इंस्टॉल होने में। ओके गाइज, तो यहाँ पर मेरे लैपटॉप में इस वक्त पाइथन मतलब वी एस कोड इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो मैं इसे भी फिनिश पे क्लिक कर दे रहा हूँ, डन। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया अपने, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये देखिए वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड का यहाँ पर आइकन दिखा रहा है। वैसे बाई डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल होने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपना काम करेंगे। तो ये मैंने एक टेस्टिंग करके फोल्डर बनाया और इसे मैं अब ओपन करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा तो मैं मुझे यहाँ पे शो कर रहा है ओपन विद कोड, इस पर मैंने क्लिक किया। अब वी एस कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। और इसका एक दूसरा ये है कि आप यहाँ पर सिंपली जाइएगा, सी एम डी लिखिए, ओके। अब आपको किस जगह पे काम करना है, अब जैसे मान लीजिए आपको रजनीश फोल्डर के अंदर में एक आप फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, एम के डी आई आर लिखिएगा, एम के डी आई आर, और मान लीजिए मैंने लिख दिया टेस्टिंग पी वाई, ओके। अब मैं यहाँ पर सीधा उसमें एंटर करूँगा सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी, मैं यहाँ पर लिखूँगा टेस्टिंग पी वाई। अब मुझे वी एस कोड को ओपन करना है, और वी एस कोड को ओपन करना है वो भी टेस्टिंग टेस्टिंग पी वाई में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सीधा कोड, उसके बाद डॉट एंड देन दिस फॉरवर्ड स्लैश। तो आपका जो डायरेक्टरी था जो आपने बनाया अभी, उसके अंदर देखिए आप एंटर कर चुके हैं टेस्टिंग पी वाई, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी एंटर कर सकते हैं, वी एस कोड ओपन कर सकते हैं, और ये तरीका भी है आप ओपन विद कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी ओपन विद कोड वाले पार्ट में यहाँ पर आया हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दे रहा हूँ, एक ही ओपन करके रखता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, कोड रनर इंस्टॉल करेंगे। कोड रनर क्यों, सपोज़ कर लीजिए आप इसके अंदर गए, एकदम बिगनर हैं, नया नया प्रोग्राम लिख रहे हैं, ए डॉट पी वाई आपने यहाँ पे लिखा, आपको कुछ प्रिंट करना है, आपने लिख दिया प्रिंट 1001, ओके। अब मैंने इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया, ये देखिए कंट्रोल एस दबाया तब सेव हुआ। अब मुझे इसे रन कराना है, तो रन कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, टर्मिनल खोलना होगा यहाँ पे, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको लिखना पड़ेगा पी वाई और उसके बाद फाइल का नाम ए डॉट पी वाई, तब आपको ये आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसा क्या है कि आपको बार बार मैनुअली रन कराना पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सटेंशन इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, और उस एक्सटेंशन का नाम है कोड रनर, ठीक है। आप कोड रनर यहाँ पर लिखिएगा, आपका ये कोड रनर आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप मैन्युअली आपको कोड रन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने उसे इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में रन कोड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली देखिए यहाँ पर मैं अब क्लिक करके रन कराऊँगा। जैसे मैंने उसको क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप कोड रनर को इंस्टॉल करेंगे, तब क्या होता है कि आप रन टाइम इनपुट अगर लेना चाहेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे यहाँ पर टर्मिनल में जाके, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैं यहाँ पर गया ये सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए यूज़र और वर्क स्पेस दिखा रहा है, तो हम लोग अभी यूज़र में ही रहेंगे। वर्क स्पेस मतलब अलग अलग फील्ड हो जाएगा, मतलब अलग अलग वर्क स्पेस बना के आप अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं हर एक वर्क स्पेस के लिए। तो अभी हम लोग, क्योंकि आप लोग अभी नया नया सीख रहे हैं, तो आप यूज़र में ही रहिएगा, और यहाँ पे जाकर आप लिखिएगा रन इन टर्मिनल, ठीक है। जैसे आप ये लिखेंगे रन इन टर्मिनल, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, और उस उन ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे कोड रनर रन इन टर्मिनल, इसको आपको चेक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसे चेक करेंगे, तब आप इस प्रोग्राम
मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाकर जब आप कोड रनर से रन कराएंगे तो आप वहाँ पे रन टाइम इनपुट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सेटिंग हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आप यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको सजेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल आप प्रिंट लिख रहे हैं तो आपको पूरा सजेशन आ जाना चाहिए पी से रिलेटेड। हाँ, आप यहाँ पे इम्पोर्ट कीवर्ड लिख के कोई फाइल को इम्पोर्ट करना चाहते, कोई मॉड्यूल को सॉरी, तो आपको यहाँ पे सजेशन आया। लेकिन देखिए आई एम मैंने लिखा पर यहाँ पर कोई सजेशन मुझे नहीं आया। तब इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पे जाकर हमको पाइथन पाइथन इंटेलिजेंस को डाउन इंस्टॉल करना है सिंपली। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब क्या होगा, पाइथन इंटेलिजेंस जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाएगा मेरे लैपटॉप में। तो मेरे कंप्यूटर में अब ये पाइथन इंटेलिजेंस इंस्टॉल हो चुका है ये प्लगइन। अब क्या है, अब मैं अपने प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, लाइक मुझे बहुत हेल्प मिलेगा। अब मैंने देखिए यहाँ पे आई एम लिखा तो मुझे इम्पोर्ट सजेशन में इम्पोर्ट एरर इम्पोर्ट वार्निंग ये सब आ गया। इससे क्या होगा कि आपको कोडिंग करने में आसानी होगी, आप फास्ट कोडिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने कोड रनर इंस्टॉल करने के बाद जो मैंने सेटिंग की उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, ओके, और मैं यहाँ पे इसको अब डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अब इसे मैं रन करा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मुझे बार बार कंट्रोल एस दबा के सेव करना पड़ रहा है। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया तो अब मुझसे यहाँ पर देखिए इनपुट मांग रहा है। मैंने यहाँ पर इनपुट किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 आउटपुट में मिल गया। ठीक है, अगर मैं सेटिंग्स में जाके यहाँ पे यूज़र में जाके रन टर्मिनल वाला जो ऑप्शन है अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ, ठीक है, ये मैंने अन ठीक है। अब मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब मैं कोई भी डेटा इनपुट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे देखिए की से की पैड में टाइप कर रहा हूँ बट मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, ये लॉक हो चुका है। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप कोड रनर इंस्टॉल करेंगे उस प्लगइन को तो आपको सेटिंग्स में जाके सिंपली क्या करना है, रन इन टर्मिनल को जाके चेक करना है। रन इन टर्मिनल ये आ गया, इसे आप सिंपली क्या करिएगा, चेक कर दीजिएगा। डन, ओके। अब मुझे यहाँ पर ऑटो सेवर जो है उसे ऑन कर देना है। तो उसे कैसे करेंगे, वही सेम सेट आना है, यूज़र में जाना है और एकदम बिगनिंग में देखिए यहाँ पर फाइल ऑटो सेव यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, आप यहाँ से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें। मैंने यहाँ पे आफ्टर डिले कर दिया, कुछ सेकेंड्स के बाद वो फटाक से आपका फाइल जो है वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फॉन्ट का साइज़ भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, फॉन्ट फैमिली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टैब साइज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे कर्सर का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। ब्लॉक कर देंगे तो वो फिर मोटा लगेगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक ना करके जो मेरा डिफ़ॉल्ट है उसे रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आप बढ़िया से इसे आप रीड कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसमें प्रोग्राम करते रहिएगा और इसके सेटिंग्स को रीड कर करके सेटिंग्स चेंज करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे देना था वो मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। तो आप लोग आराम से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करने के बाद अपना प्रोग्राम करिए यहाँ पे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पाइथन से रिलेटेड मेरे पास प्लेलिस्ट भी है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अभी इसमें कुछ और भी वीडियोस बाकी हैं डालने। और साथ ही साथ मैं फ्यूचर में पाइथन के ऊपर एक और प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं पाइथन के प्रोग्राम्स लिखूँगा, वो प्रोग्राम्स जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैं उन प्रोग्राम्स को ड्राई रन करके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।